Welcome to an academy, and this is our channel, An Academy Cat. Very good evening to all the learners of An Academy, and welcome you all to a brand new session from the comprehensive course on Indian Polity session 2. Aur aaj ke session mein hum log preamble ke bare mein padhne wale hai guys. Okay, we are going to study the preamble today. Kal humne constitution ke features ke bare mein, constitution ke sources ke bare mein padha. सारा कुछ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में हमने पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रीएम्बल गाइस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस. जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दो सो दैट आई विल कम टू नो दैट माय वॉइस एंड वीडियो इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर दिस सेशन. हे नमिता, वेरी गुड इवनिंग. पंखुरी, गुड इवनिंग. वैभवी, गुड इवनिंग. गाइज नुपुर, गुड इवनिंग. वेलकम टू द क्लास गाइज. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो ऑल द पीपल who are going to be here for the very first time, I am Advocate Rishikesh Kate and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam guys. So this is the channel where I will be coming live every day guys. रोज सुबह मैं 11 बजे यहाँ पर लाइव आता हूँ. यहाँ पर 11 बजे के सेशन में हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस का क्लास करते हैं एंड अनदर वन इज 7 PM गाइज. ओके, 7 PM पर हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स शुरू किया है कल से वो हम लोग खत्म करने वाले हैं इस एंटायर वीक में. ऑल्सो गाइज अनअकैडमी का जो कैट फॉर MBA चैनल है वहाँ पर आप मुझे 1 बजे भी मिल सकते हैं फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे. यहाँ पर हम लोग BBA का प्रिपरेशन करेंगे गाइज. ओके, BBA एग्जाम प्रिपरेशन वी विल डू इट मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे. एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू GD GK करंट अफेयर्स प्लीज फील फ्री टू कैच अप विद मी ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज unacademy_RK जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस. ओके, यू विल गेट द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ऑडियो वीडियो ऑल ओके. हेमंत गुप्ता, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. सो गाइज अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको सारा कुछ वैल्यू ऑफरिंग मिल जाता है गाइज, अलॉन्ग विथ जो भी प्लस के बेनिफिट्स है जैसे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स जो आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs भी ऑफर करते हैं एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस टू ट्रैक योर प्रोग्रेस. ये सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है विद अ पर्सनल कोच हु विल पर्सनली प्रिपेयर यू फॉर कैट 2021 विद एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ द OMATs, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस टू ट्रैक योर प्रोग्रेस गाइस. So all the people preparing for CAT 2021 should and also will be focusing on other major MBA entrance exam should go for the 1 year subscription plan that goes for 39,500 for Iconic and 22,550 for Plus guys. Similarly, जिनको अपना पढ़ाई जल्दी शुरू करना है Unacademy के साथ should go for the 2 year subscription plan that goes for 32,800 for Plus and 67,000 rupees for Iconic guys. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड. ये मेरा एडुकेटर कोड है गाइज, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है. वेन एवर यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन RUSHI ऋषि, इससे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पर. न्यू बैचेस गाइज 23 June से VARC एक्सपर्ट 3.0 एडवांस बैच शुरू हो जाएगा. 23 June से ही परसेंटाइलर बैच 4.0 फॉर कैट 2021 शुरू हो जाएगा एंड 26 June से प्रैक्टिस ड्रिल 1.0 फॉर कैट 2021 शुरू हो जाएगा गाइस. सो यूज द सेम एडुकेटर कोड RUSHI ऋषि, सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक प्लेटफॉर्म गाइस एंड एनरोल टू दिस बैचेस राइट नाउ. तो चलिए गाइस, हे विकी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. चलिए गाइस अब शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है. व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ प्रीएम्बल गाइस? प्रीएम्बल का कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स क्या है? हाय पवन सिंह, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ प्रीएम्बल गाइस? जल्दी जल्दी ऐसे बता देना चाहिए आप लोगों ने मुझे, एकदम रफ्तार के स्पीड से, मतलब गोली की रफ्तार से आप लोगों ने मुझे बताना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया इज अ रॉन्ग आंसर. ऑस्ट्रेलिया इज अ रॉन्ग आंसर. जल्दी बोलो गाइस, कम ऑन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ प्रीएम्बल? ए नमिता, कल ही तो हमने किया है गाइस, ऐसा क्यों कर रहे हो? व्हाई डू यू डू दिस? कल ही हमने सोर्सेस किए हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है. यस चैतन्य, थैंक यू, लाज रख ली मेरी बेटा तूने. नमिता ऐसे करोगे तो TISS कैसे होगा? दीदी कैसे कर रहे हो यार, कल ही सोर्सेस किए थे हमने, इट वॉज नॉट लॉन्ग अगो. करेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल
इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस. ओके, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है. एंड द लैंग्वेज, ओके, द लैंग्वेज दैट इज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, द लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर द प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं नमिता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू नमिता. प्लीज रिवाइज रेगुलरली, प्लीज रेगुलरली रिवाइज करो. यस सुकांशिका, और जो लैंग्वेज हमने प्रियम्बल में यूज किया है वो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज हमने यूज की है. ओके, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज हमने यूज की है. नाउ प्रियम्बल गाइज, ओके, प्रियम्बल इज पर्टिकुलरली, कॉन्सेप्ट तो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. द लैंग्वेज दैट इज यूज, वी हैव यूज द ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज. नाउ प्रियम्बल इज नथिंग बट द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो सारा कुछ आपको अपने प्रियम्बल में देखने के लिए मिलेगा, कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारा जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है. सो वी कैन से द फिलोसॉफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, यू कैन ऑल गेट इट इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, और एक चीज़ प्रियम्बल के बारे में याद रखना गाइज, दैट इज देर वॉज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ओके, देर वॉज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1946. ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया हुआ था. इवेंचुअली दैट बिकेम आवर प्रियम्बल. ओके, तो क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे दिया हुआ था. तो अल्टीमेटली जो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था उसी को एब्स्ट्रैक्ट बनाकर हमारा प्रियम्बल बना दिया गया है. ओके, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन वॉट, इज बेस्ड ऑन द सॉरी आवर प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन वॉट, इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1946. ओके, 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स, उसका आंसर यूएस है. बट व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट सोर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ आवर प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन में अगर आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिख रहा है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गाइस. हे प्राची, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, दैट वॉज एडॉप्टेड एज आवर प्रियम्बल. ओके, एज आवर प्रियम्बल. नाउ हमारे प्रियम्बल को पढ़ाई करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इट्स वेरी सिंपल गाइज, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर यू विल सी इन इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का जो सेशन है या फिर वो जो चैप्टर है वो सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है. दैट्स द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर दैट यू कैन सी इन द प्रियम्बल. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल देखो गाइज. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को, ये प्रिलिमिनरी चीज़ सारा समझ में आ गया प्रियम्बल के बारे में आप लोगों को. यू अंडरस्टूड द प्राइमरी थिंग्स ऑफ प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स, लैंग्वेज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही अडॉप्ट किया विच वॉज मूव्ड बाय डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नॉट डॉक्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1946. ओके, अब हमारे प्रियम्बल को पढ़ाई करने का सबसे ईजी तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ. डिवाइड द प्रियम्बल इंटू थ्री पार्ट्स. ओके, तीन पार्ट्स में डिवाइड करो इसे. सबसे पहला, ओके, सबसे पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व से लेकर रिपब्लिक तक. ओके, इधर तक. सो द फर्स्ट पार्ट, ओके, ये जो पहला पार्ट है, दिस एक्चुअली टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ आवर कंट्री. ओके, हमारे कंट्री का नेचर रिफ्लेक्ट करता है इसमें. देन सेकेंड पार्ट, And to secure to all of its citizens justice से लेकर nation तक. Okay, nation तक. ये जो second part जो है इसे particularly objective होता है ये हमारे देश का, कि हमारे देश as a nation what we should do. Okay, as a nation what we should do is given in the second part. और third part जो है in our constituent assembly से लेकर constitution तक, इस part में जो third part है यहाँ पर हमें source. Okay, सोर्स एंड अथॉरिटी के बारे में समझता है. ओके, सोर्स एंड अथॉरिटी के बारे में समझता है. ऑलराइट, हे सोनल मेहता, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. ओके गाइड,
जल्दी से एक 2 मिनट में प्रियम्बल, 1 मिनट के अंदर प्रियम्बल को पढ़ लो, जल्दी से इसको पढ़ लो गाइस, जल्दी से इसको पढ़ लो, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ लेता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, ओके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, ओके, प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, अश्योरिंग, ओके, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, ओके, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day, ओके, दिस 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Sir, एक बार sovereign का meaning समझा दो please. Yes, yes, Hemant, हम discussion करने वाले हैं. We are going to discuss in detail. Hi, Bunty, good evening, welcome to the class. Okay, हो गया guys, ये सब का पढ़कर, preamble सब लोगों का पढ़कर हो गया. Preliminary reading of the preamble is over. सब लोगों का हो गया. ओके, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ लेट्स रीड इट इन डिटेल. देखो, वी, ओके, वी, वी मतलब कौन? द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब यहां पर कोई थर्ड पार्टी बात कर रहा है क्या? सर, कैन यू रिपीट थर्ड पार्ट, डिस्क्राइब व्हाट? सोर्स एंड अथॉरिटी, पंखुरी, सोर्स एंड अथॉरिटी. थर्ड पार्ट जो है वो सोर्स एंड अथॉरिटी को डिस्क्राइब करता है. ओके, अब देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब यहां पर कोई थर्ड पार्टी है क्या? नो, इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी आर टॉकिंग फॉर आवर सेल्फ एंड नोबडी इज नॉट एंड एनीबडी इज नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अस. ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व. ओके, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व मतलब हम सोलेमली रिजॉल्व कर रहे हैं. ओके, वी आर टेकिंग दिस रिजोल्यूशन इन आवर हैंड. ऑफ वॉट? रिजोल्यूशन किस चीज का? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. ओके, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया मतलब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने में, मतलब इंडिया को एक एक राष्ट्र बनाने में. किस प्रकार का राष्ट्र बनाने में? किस प्रकार का नेशन बनाने में? गाइज, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस. ओके, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एंड अ नेशन. अ कंट्री इज समथिंग विच होल्ड्स द ज्योग्राफिकल बाउंड्री. ओके, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री को होल्ड करता है उसे कंट्री कहते हैं. बट अ नेशन इज सो मच मोर देन अ कंट्री. द नेशन इज वॉट द पीपल मेक इट. हम एक देश है, बट हम एक राष्ट्र कब बनेंगे? वी आर अ कंट्री, बट वेन विल बी अ नेशन? ओके, वेन विल बी अ नेशन? वेन वी एज पीपल ऑफ दिस कंट्री और द इंडिजिनस पीपल ऑफ दिस कंट्री विल होल्ड दिस कंट्री टुगेदर विथ ऑल द प्रिंसिपल्स दैट आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब किस चीज के लिए बनाया गया है? अब देखो, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया मतलब इंडिया कैसा होना चाहिए. ओके, या फिर हम इंडिया को कैसा बना रहे हैं? वेन वी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन को हम एनफोर्समेंट में लाएंगे, हमारा देश कैसा होगा? इट विल बी सॉवरीन. ओके, इट विल बी सॉवरीन. सॉवरीन का मतलब क्या होता है गाइज? No third party will ever have an influence over the decision making of our country. हमारे देश में जो कोई भी laws बनेंगे, जो कोई भी policies frame होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग हमारे लिए बनाएंगे. किसी के दबाव के अंतर्गत या फिर किसी के influence में आकर हम उसे नहीं बनाएंगे, और ना ही बनने के बाद भी हमें कोई influence कर सकता है. उसे sovereign कहते हैं. Okay, उसे sovereign कहते हैं. मतलब We are independent as well as sovereign. Indian Independence Act 1947 का पहला लाइन ही बताता है that India shall be an independent and a sovereign state. Independent भी रहेंगे और sovereign भी रहेंगे. मतलब no policy making will ever be influenced by a third party. For example, Australia. Okay, Australia is an independent country, but it's not a sovereign country. क्योंकि अभी भी the Queen will have an influence over the government of Australia. Queen of England को लगा कि बाबा ऑस्ट्रेलिया के government को खारिज करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं. पाकिस्तान,
was Pakistan became independent with us. 14th August 1947, Pakistan became independent. But Pakistan was not sovereign till the year 1956. Okay, 1956 tak Pakistan sovereign nahi tha. Independent tha, but sovereign nahi tha. India, right from the first day, 15th August se lekar jab tak is duniya mein Bharat rahega, tab tak India will be an independent and a sovereign state. Matlab, to for example, अब हमने ट्रिपल तलाक के ऊपर लॉ लेकर आया 2018 में, वी ब्रॉट अ लॉ फॉर ट्रिपल तलाक. सो द अरब कंट्रीज, ओके, द अरब कंट्रीज कुड नॉट इन्फ्लुएंस अस और कुड नॉट ओवर पावर अस कि भाई आप लोगों ने हमारे एक लॉ को क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है आप लोगों के देश में. नोबडी कैन डू इट. यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, ओके, हमने CAA के ऊपर लॉज लेकर आए. They expressed their dissent, they expressed their disappointment, but they couldn't do anything because this is an internal matter of India and nobody can influence us, nobody can overpower us to change a particular thing or introduce a particular thing. Okay, sir, kiska effect tha Pak ke upar? It was British government only na, British government ka hi tha, because they were also under the rule of British crown. Yes sir, as is the internal matter of India. ओके, नोबडी कैन इंटरफियर, उसे सोवरीन कहते हैं. ऑलराइट, सो ये पहला वाला पार्ट है. फिर सेकेंड वाला पार्ट, सोशलिस्ट. ओके, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? एवरी पॉलिसी दैट इज फ्रेम्ड इन द कंट्री विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट मतलब क्या? सारे रिसोर्सेज जो है इस सोसाइटी के, उसमें उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इसीलिए जो भी पॉलिसीज हमारे देश में बनेंगे, जो भी वेलफेयर स्कीम, जो भी वेलफेयर पॉलिसीज दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और विल बी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विल बी सोशलिस्ट इन नेचर. ओके, मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वो होना चाहिए. दिस इज वॉट इज मीन्ड बाय सोशलिस्ट. सेक्युलर का मतलब कल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था वॉट डू वी मीन बाय सेक्युलर, फिर भी तुम लोगों को आज फिर एक बार बता रहा हूं मैं व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सेक्युलर. सेक्युलरिज्म का मतलब है, या फिर सेक्युलर का मतलब है ऑल द रिलीजन दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. हमारे देश में जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियन, पारसी, इस्लाम, ऑल द मेजर रिलीजन्स इवन इंक्लूडिंग देयर कास्ट एंड सब कास्ट, ऑल द रिलीजन्स विल बी सेम इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में सारे रिलीजन्स एक जैसे ही होंगे. नो रिलीजन विल बी अबाव एनी रिलीजन और नो रिलीजन विल बी बिलो एनी रिलीजन. ओके, इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑल द रिलीजन्स विल हैव इक्वल स्टेटस, बट दैट डज नॉट मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इररिलीजियस या फिर नॉन रिलीजियस नहीं करता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीजियस बट इट एक्सेप्ट्स ऑल द रिलीजन एंड रिकग्नाइजेस ऑल द रिलीजन एग्जिस्टेड इन द कंट्री और प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री, बट इट कीप्स एवरीबडी ऑन द सेम लेवल. ओके, सबको सेम लेवल पर रखता है, उसे सेक्युलरिज्म कहते हैं. अब तुम लोग मुझे बताओ वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज डेमोक्रेटिक. वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज डेमोक्रेटिक? नो रिलीजन विल बी अबव और बिलो इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. करेक्ट, करेक्ट. तुम लोगों के हिसाब से वॉट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का तुम्हारे हिसाब से मीनिंग क्या है? इट्स ओके, गलत आंसर दिया तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक. मुझे आप लोगों को सोचने पर थोड़ा सा मजबूर करना है. जस्ट टेल मी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज फॉर इज डेमोक्रेटिक. लोकतंत्र, ओके, लोकतंत्र. फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ओके. राइट टू द पावर गिवन टू पीपल फॉर एक्सरसाइजिंग देयर राइट. ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव राइट टू गिव देयर पर्सपेक्टिव. यस, डेमोक्रेसी. नाउ पंखुरी ने जो कहा दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ये अब्राहम लिंकन ने दिया हुआ डेफिनेशन है गाइस. ओके, ऑलराइट, अब्राहम लिंकन ने दिया हुआ डेफिनेशन है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सुनने में बहुत छोटा भी और बहुत इजी भी लगता है, बट इट इज सो मच मोर देन दैट गाइस. ओके, इट इज सो मच मोर देन दैट. डेमोक्रेसी इज अल्टीमेटली द पावर ऑफ गवर्नेंस. ओके, द पावर ऑफ गवर्नेंस, द अथॉरिटी इट लाइज विद द
पीपल। डेमोक्रेसी मतलब क्या, अल्टीमेटली द पीपल इज द सेंट्रीफोगल। ओके, जैसे यूनिवर्स में सन इज, सोलर सिस्टम में सन इज द सेंटर प्लेस फॉर सोलर सिस्टम ना, वैसे ही डेमोक्रेसी में गवर्नेंस का जो यूनिवर्स होता है वो पीपल होता है। सो पीपल हैव द पावर, ओके, पीपल हैव द पावर एंड द पावर टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। ओके, जब भी किसी भी एक इंसान का राइट अगर इन्फ्रिंज हो जाता है, ऑल्सो एट द फर्स्ट प्लेस डेमोक्रेसी में लोगों को अपना राइट एक्सरसाइज करने का जो ताकत दिया है, जो पावर दिया है, वो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। एंड ऑल्सो इफ एनी ऑफ द राइट इज इन्फ्रिंज्ड, कोई एक राइट अगर इन्फ्रिंज भी होता है या फिर एक्सरसाइज करने से रोका जा सकता है, इट इज द पावर ऑफ दैट पर्सन टू गो एंड एनफोर्स हिज राइट फॉर वॉट एवर द राइट इज एंटाइटल टू। सर आई एम लिटरली कन्फ्यूज बिटवीन ग्रेट लेक्स गुड़गांव वर्सेज वेलिंगकर ई बिजनेस, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। यश, दिस इज अ पॉलिटिक क्लास, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा, प्लीज पिंग मी अप ऑन टेलीग्राम। आप मुझे टेलीग्राम पर पिंग कर सकते हो, मैं आपको उधर गाइड कर दूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट फ्रॉम द लिंक ऑफ दिस सेशन, ओके, सेशन के फ्लो को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट, बट प्लीज पिंग मी अप ऑन टेलीग्राम। ओके, सो सॉरी, यस, सो सॉरी। ओके, यस, राइट का जो राइट को एक्सरसाइज, टेलीग्राम चैनल नेम, इट द लिंक टू माई टेलीग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यश। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, सो डेमोक्रेटिक, ओके, डेमोक्रेटिक ये हो गया, इट इज द पावर ऑफ द पीपल टू एक्सरसाइज देयर राइट। एंड इन एंड व्हाट इज रिपब्लिक, गाइस, व्हाट इज रिपब्लिक? अब डेमोक्रेटिक के बारे में तो आप लोगों ने बता दिया, रिपब्लिक का मतलब क्या है? What do we mean by republic? What do we mean by republic? We will be governed by the government, not only we that only we elect and not ruled by any monarch. Not a problem, yes, absolutely not a problem, no problem. Yes, Sukanshika, absolutely correct. जब हमने 26 जनवरी 1950 को When we declared ourselves to be republic, जब हम लोगों ने खुद को republic declare किया, इसका मतलब क्या है? The people decided that we are going to be governed, okay? कभी भी याद रखो guys, democratic republic country में the people are governed and not ruled, okay? They are governed and not ruled. हमेशा याद रखना, okay? So कभी कभी कोई लोग claim कर लेते हैं कि हम राज करेंगे या ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है। रिपब्लिक में हम द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव्स द राइट टू एनीबडी टू रूल, इट इज ऑलवेज गवर्न एंड विथ द रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स विच द पीपल हैव इलेक्टेड फॉर देमसेल्फ। ओके, जो लोगों ने इलेक्ट किया है वही रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोगों को या फिर लोगों को गवर्न करेंगे। ऑल्सो, ओके, ऑल्सो रिपब्लिक का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 वी डिसाइडेड दैट देर इज गोइंग टू बी एन एक 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 मशीनरी हम लोगों ने खुद के लिए डेवलप कर रखी है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी मशीनरी है, ओके, जो भी चीज है, उसी के हिसाब से हमारे देश में शासन चलेगा, राज नहीं चलेगा, शासन चलेगा। ओके, देर विल बी गवर्नेंस एंड नॉट रूल बिकॉज वी गेव अप मोनार्चिकल रूल व्हेन वी डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ टू बी अ रिपब्लिक कंट्री। हम जब हमने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, वी गेव अवे all the monarchical rule on 26 January 1950 को, okay? No under monarchical rule. Got it, guys? तो ये part समझ में आ गया है सब लोगों के? Is this part understood? ये first part कि हमारा देश कैसा होगा, okay? हमारा देश कैसा होगा? हमारा देश sovereign होगा, हमारा देश socialist होगा, हमारा देश secular होगा, हमारा देश democratic होगा and हमारा देश republic होगा। गाइज, रिमेंबर दिस फाइव वर्ड्स, भूलना नहीं है, ओके, भूलना नहीं है। ऑल्सो रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए। सोवरीन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड, ओके, वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। सो द करेक्ट ऑर्डर इज सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर,
डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, तो ये भी याद कर लो गाइस। ओके अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। ओके अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि हमारे देश का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ओके हमारे देश का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव विल बी टू सिक्योर, ओके टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ओके सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, सिटीजन को सिक्योर करना है गाइज। ओके सिटीजन को सिक्योर करना है, प्रीएम्बल एक्सक्लूसिवली चाहे जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के उनको सिटीजन्स को सिक्योर करने का ये ऑब्जेक्टिव रखता है। क्या सिक्योर करना है, व्हाट आर वी गोइंग टू सिक्योर, वी आर गोइंग टू सिक्योर जस्टिस। ओके वी आर गोइंग टू सिक्योर जस्टिस, जस्टिस किस चीज़ के लिए, जस्टिस इन ऑल द थ्री स्पीयर्स ऑफ लाइफ, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ओके किसी भी ह्यूमन बींग के तीन इम्पॉर्टेंट स्पीयर्स होते हैं लाइफ के, वन इज सोशल, अनदर वन इज इकोनॉमिकल एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल। सोशल हम लोग DPSP में, ओके हम लोग DPSP दैट इज चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं कि एवरी रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टेट, मेन एंड वुमेन विल हैव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये क्या है, ये इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस के आर्टिकल्स आगे मैंशनड है। पॉलिटिकल में, ओके पॉलिटिकल में एवरीबडी विल बी गिवन राइट, सब लोगों को इक्वल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ये इक्वल जस्टिस के फॉर्म है। रिजर्वेशन इज वॉट इज अ काइंड ऑफ सोशल जस्टिस इंस्ट्रूमेंट, ओके वो सोशल जस्टिस का एक इंस्ट्रूमेंट है रिजर्वेशन। ऑल्सो इट इज एन इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, कि जो लोग लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिनका इनकम बहुत कम है, ओके उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्टिस देने का ट्राई करता है। सो जस्टिस इन ऑल द थ्री स्पीयर्स ऑफ लाइफ, दैट इज सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, ओके द कॉन्स्टिट्यूशन विल गारंटी लिबर्टी टू इट्स सिटीजन। लिबर्टी किस चीज़ का, ओके लिबर्टी किस चीज़ का, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। लिबर्टी ऑफ थॉट भी है, एक्सप्रेशन भी है, वी कैन सी इट इन आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिलीफ, ओके बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपको खुद का एक बिलीफ भी रखने का लिबर्टी है, आप फेथ के हिसाब से भी है, वर्शिप के भी हिसाब से आपको लिबर्टी दिया गया है। ओके सो द एक्सक्लूसिव आर्टिकल नंबर 25 जो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में, उसमें ये चीज़ गारंटीड की गई है, वो देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल गुरमीत राम रहीम, रजनीश भगवान मतलब ओशो, ऑल द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर। ओके नाउ गुरमीत राम रहीम ने तो खुद का रिलीजन ही निकाला था, नोन एज सच्चा सौदा डेरा। ओके ये लिबर्टी किससे मिली है, ओके किससे मिली है, दैट यू कैन गिव अप एवरी रिलीजन एंड स्टार्ट योर ओन रिलीजन। ओके आप कोई भी रिलीजन में पैदा हुए हो, ये इट इज़ योर फ्रीडम कि आप वो रिलीजन को छोड़कर किसी और रिलीजन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद का भी रिलीजन शुरू कर सकते हो, दैट कम्स इन टू योर बिलीफ। ओके आपके बिलीफ और फेथ में वो आ जाता है, एंड यू ऑल्सो हैव द लिबर्टी टू वर्शिप वट एवर यू हैव इनकलकेटेड। सो लिबर्टी है आपको, लिबर्टी ऑफ थॉट का भी दिया गया है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का भी दिया गया है आर्टिकल नंबर 19, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फिर आगे देखते हैं इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू, सिक्योर्स यू व्हाट, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ओके इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नो मैटर यू आर रिच, यू आर पुअर, यू आर गर्ल, यू आर बॉय, ओके आपको लॉ के सामने हमेशा ही इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। एंड ऑल्सो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके ऑल्सो ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके कि आप अगर किसी को भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू कंटेस्ट फॉर द थिंग। सर इस्लामिक कंट्रीज में हमें वर्शिपिंग की लिबर्टी नहीं होती है, दैट इज़ वाई दे हावेवर ऐसा नहीं है
की नहीं होती है। अल्टीमेटली इस्लाम रिलीजन, इस्लामिक कंट्रीज में भी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं एंड दे आर गिवन द लिबर्टी टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। बट इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक कंट्री मतलब क्या, दे हैव अडॉप्टेड अ ऑफिशियल रिलीजन फॉर देयर कंट्री। जैसे हमारा देश सेक्युलर है, ओके, हमारा देश सेक्युलर है मतलब कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऑल रिलीजन्स एग्जिस्ट इन द कंट्री। बट इस्लामिक कंट्री में इस्लाम रिलीजन इज देयर ऑफिशियल रिलीजन। ओके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल नंबर 16 में अपॉर्चुनिटी के बारे में भी ये दिया हुआ है, लिबर्टी दी हुई है, इक्वालिटी दिया हुआ है। ओके, एंड टू प्रोमोट, ओके, एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ओके, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, माने के हम पूरे देश में भाईचारा बढ़ाएंगे। ओके, भाईचारा बढ़ाएंगे, ब्रदरहुड बढ़ाएंगे, और इस तरीके से बढ़ाएंगे कि किसी भी इंडिविजुअल का डिग्निटी, ओके, किसी भी इंडिविजुअल का डिग्निटी और इस पूरे देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को एश्योर करेंगे। मतलब वी विल डेवलप ब्रदरहुड विच विल नेवर हर्ट द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन विल बी केप्ट इंटैक्ट। ओके, उसे इंटैक्ट करने के हिसाब से ही इस वे में हम ब्रदरहुड को बढ़ाएंगे। ओके, ये सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, भाईचारा। बिल्कुल बिल्कुल, भाईचारा पवन, ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। ओके, तो ये पार्ट समझ में आ गया गाइज, ये पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, अब थर्ड पार्ट है सोर्स एंड अथॉरिटी। ओके, सोर्स एंड अथॉरिटी, अब अथॉरिटी तो हमें पहले ही पता चल गई है गाइज कि अथॉरिटी किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स क्या है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू अडॉप्ट किया है, वी हैव अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो वॉट इज द सोर्स हियर, द सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड एक और चीज इससे पता चलती है इज द डेट ऑफ एडॉप्शन गाइज। ओके, इज द डेट ऑफ एडॉप्शन 26th day of November 1949। ये डेट सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्बल में मेंशन है, बाकी किसी भी जगह पर डेट ऑफ एडॉप्शन मेंशन नहीं है। ओके, इवन दो डू हियर बाय अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ, ओके, आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भले ही प्रीएम्बल में इनैक्ट लिखा गया है, द डे ऑफ इनेक्शन इज वॉट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट किया गया था, वेन वॉज इट इनेक्टेड, वेन वॉज इट इनेक्टेड, वो कब इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट किया गया था गाइज, 26 जैन 1950। ओके, 26 जैन 1950 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इवन दो इट इज रिटन हियर इनैक्ट, द इनैक्टमेंट और द एनफोर्समेंट टुक प्लेस ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, ये चीज समझ में आ गई है सब लोगों को, ये चीज समझ में आ गई है सब लोगों को, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट समझ में आ गया है आप लोगों को गाइज? ओके, तो पानी पी लेता हूं थोड़ा। ओके, ठीक है, अब प्रीएम्बल के रिलेटेड ना गाइस कुछ केसेस है, बट बिफोर दैट प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द कॉम्बैट गाइस। कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करो, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है ये फॉर कैट एस्पिरेंट।
जस्ट स्कैन दिस क्यू आर, ओके इस क्यू आर को स्कैन करो एंड यू नीड एन इनवाइट कोड. मेरा नाम ही आपका इनवाइट कोड है, RUSHI ऋषि. ओके दिस इज एन इनवाइट कोड फॉर यू. यू कैन एनरोल इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री. विन स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 55 लाख रुपीज गाइस. ओके एवरी संडे, हर संडे को 12 बजे कॉम्बैट होता है. रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द कॉम्बैट राइट नाउ एंड विन अमेजिंग सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप फ्रॉम अन अकेडमी गाइज. ओके अब प्रीएम्बल रिलेटेड ना गाइज कुछ केसेस है. ओके देर आर सम केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल. ये तीन केसेस है. ओके ये तीन केसेस है. बेरीबुरी वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960. ओके बेरीबुरी वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था. ओके सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड. ओके वो कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेंस कैनॉट बी अमेंडेड. ओके हेंस कैनॉट बी अमेंडेड. ओके अमेंडमेंट इधर लिख देता हूं. फिर अपने ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया. ओके रिवर्स किया केशवानंदा भारती केस में. ओके केशवानंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल. ओके इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट. ओके इज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट. ओके सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट हो सकता है उसका. और LIC के केस में, ओके LIC केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट प्रीएम्बल एक्चुअली इज अ की फैक्टर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके प्रीएम्बल को अगर इंटरप्रिट करना है तो प्रीएम्बल को आपको अच्छी तरह से समझना होगा. सो इट्स अ की फैक्टर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दस प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंटीग्रल पार्ट है एंड इट इज इट अमेंडमेंट का तो सब्जेक्ट यहाँ पर पहले से ही बता ही दिया था. ओके ये चीज पहले से ही बता दिया था. ओके समझ में आया गाइस दीज थ्री केसेस. कभी कभी केसेस पूछे जाते हैं गाइस, डायरेक्ट केसेस पूछे जाते हैं TISS में. ओके कि प्रीएम्बल रिलेटेड केस कौन सा है या फिर बेरीबुरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केशवानंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल के बारे में क्या कहा, LIC केस 1995 में प्रीएम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. ओके LIC में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट प्रीएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके प्रीएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन हेंस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट. पहले के केस में ऐसा था ना कि इंडिया प्रीएम्बल इज अ पार्ट और नॉट. LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा नहीं है, इज एन इंटीग्रल पार्ट, अविभाज्य पार्ट है. ओके गॉट इट अंडरस्टूड एवरीबॉडी. सर फिर एट लास्ट कंक्लूजन क्या था उनका, हो सकता है यस हेमंत 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया ना कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट. इट इज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट, ये 73 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था. बराबर 73 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया इट इज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट. ओके चलो अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट बिफोर दैट गाइज बम्पर ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर कैट 2021 के लिए. दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. यू इमेजिन यू हैविंग अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द अमेजिंग प्लस क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ. अगले 6 महीने के लिए आपको सारे अमेजिंग प्लस क्लासेस एक्सेस करने का मौका आपको मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स नॉट 6 मंथ.
You buy 6 months of subscription today and you get 1 month of subscription absolutely for free. इसमें आपके सारे exams का preparation हो जाएगा. CAT, NMAT, ZAT, SNAP, IFT. Okay? So go for the subscription today guys using my code RUSHI Rushi. ये मेरा educator code है. आपको 10% additional discount मिल जाएगा on all your subscriptions. Okay? सारे subscriptions पर आपको 10% discount मिल जाएगा. Alright guys? Now the last part, okay, the last part of today's class is amendment, okay, is amendment. Preamble amend हो सकता है कि नहीं, ये तो हमने discuss कर लिया. Preamble कभी amend हुआ है क्या? तो the question answer is yes, okay, the answer to this question is yes. Preamble for आज के time पर, मतलब 1950 से लेकर आज की date तक, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार amend हुआ है. That was through, okay, that was through the 42nd Amendment Act of 1976, okay, 42nd Amendment Act 1976 के तहत preamble सबसे पहली बारी और आखिरी बारी amend हुआ है. Three words were added, one is secular, socialist and integrity, okay. 18th December 1976 को during emergency in India, the Indira Gandhi government pushed through several changes in the 42nd amendment during the emergency in 1976 of the constitution of India. Ye ek cheez yaad rakhna guys, the amendments were recommended by the Sardar Swaran Singh committee, okay. Sardar Swaran Singh committee ne recommend kiya tha that this amendment be enacted after being constituted the study of question of amending the constitution in the light of the past experience. Iske through ek through this amendment, the word socialist and secular, okay, socialist and secular को add किया गया था between the words sovereign and democratic, okay, sovereign and democratic, and the phrase unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation, okay. तो ये दो changes किए, तीन changes किए गए थे preamble में. एक तो secular और socialist को add किया और जो phrase था that is unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation. Yes, TISS के लिए भी है. Yes guys, okay. So this is the amendment of the preamble. सिर्फ और सिर्फ एक ही बार amend किया गया है by the 42nd Amendment Act of 1976. Three changes were made, secular and socialistic. And unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation. And the amendment of the preamble was recommended by Sardar Swaran Singh committee. Okay. Sardar Swaran Singh committee. Got it guys? Samajh mein aaya? Everybody understood? ओके चलो देन दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. किसी को कुछ डाउट इस सेशन में? एनी डाउट इन दिस सेशन? गाइस चलो देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस. बिफोर वी पार्ट वेज just go and check out this feature on your Unacademy learning app guys, ask a doubt feature. This is a just go on your Unacademy learning app and tap on ask a doubt. You can even take a picture of your doubt or even choose from the gallery. You can even specifically crop your doubt, okay. Aap specifically doubt ko crop kar sakte ho. This is select the correct subject to which the question belongs and upload it. This is a 24x7 feature guys and it is absolutely for free. Okay, ये बिल्कुल free है. Okay, so preamble got amended just once in 42nd Amendment Act and the constitution has been amended 104 times. Yes, Namita. Yes. Okay. So guys, once again, iconic subscription for CAT 2021. You get a personal mentor, test analysis and reports, OMETS exclusive preparation. All benefits of plus will be included. You can get mentored by top graduates from top B school. So
So all the people preparing for CAT 2021 and will also focus on other major MBA entrance exam, go for the 1 year subscription plan, guys. That goes for 39,500 for Iconic. You spend less than 3,300 rupees for your preparation here, and 22,554 plus you spend less than 1,900 rupees for your preparation here. And jinko apna preparation jaldi shuru karna hai Unacademy ke saath, should go for the 2 year subscription plan. That goes for 32,800 for plus you spend less than 1,400 rupees for your preparation here, and 67,000 rupees for Iconic. You spend less than 2,800 rupees for your preparation here. Okay. Thank you all for joining this session. You guys have a fantastic evening ahead. I will see you at 9 PM today for Indian history class. Aaj hum log advents of the Europeans ke bare mein padhne wale hai. Till then, you guys take care, guys. Please stay home, stay safe. Let's crack it, guys. Bye-bye. Have a very good night ahead.